पंधाना क्षेत्र में आने वाले छेगांव वाखन ब्लॉक के ग्राम बंजारी में हुई घटना के विरोध में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग का हमला उतर आया है। डॉक्टर्स ने इस घटना के विरोध में देर रात खंडवा SDM ममता खेड़े को एक ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोगों ने SDM साहिबा को इस संबंध में ज्ञापन दिया था कि RRT टीम में जो सदस्य डॉक्टर और उनके साथ में जो सपोर्ट स्टाफ रहता है, एक छेगांव माखन ब्लॉक में ग्राम बंजारी में उसके ऊपर हमला हुआ था। इस टीम में केवल दो महिला सदस्य थे, जिसमें एक डॉक्टर पूर्वा कुशवा थी जो बंजारी में अपनी साथी ANM के साथ में सुनीता सूर्यवंशी के साथ में पेशेंट के फॉलोअप के लिए गई थी। पॉजिटिव पेशेंट को मेडिसिंस देने गई थी और उसकी जांच करने के लिए गई थी कि उसका स्वास्थ्य संबंधी उसकी समस्याएं कुछ हों तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए, परंतु सुनियोजित ढंग से वहाँ पर डॉक्टर पूर्वा कुशवा और सुनीता सूर्यवंशी के ऊपर घातक हमला किया गया, जिसमें पत्थरबाजी और परिवार के जो मेल सदस्य होते हैं उनके द्वारा पाइप और डंडों के साथ उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें डॉक्टर पूर्वा कुशवा और सुनीता सूर्यवंशी को सर में, पैर में और यहाँ तक कि उनकी पीठ में भी काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। उसके पश्चात जब पुलिस वालों के साथ में वहाँ पर पुलिस बल को बुलाने के बाद जब उस घर में संपर्क करने गया तो उस समय पुलिस वालों के ऊपर भी वही सेम चीज़ उन्होंने करी, उनके ऊपर भी हमला किया, जिसमें पुलिस वालों की भी वर्दी वगैरह के ऊपर फट गई है वर्दी और उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। और हम लोग बस इतना चाहते हैं कि ये जो घटना इस बार हुई है, इसकी वजह से हम सभी डॉक्टर्स में, RRT टीम के सभी सदस्यों में एक प्रकार से एक भय बैठ गया है कि अगर हम किसी की भलाई के लिए जा रहे हैं या किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम पे हमला होता है तो आगे हम अपनी जो ये कार्य प्रणाली है या फिर जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं उनमें सेवाओं को करते में हमें काफ़ी भय रहेगा। सेवाएं करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, लेकिन उसमें भी अगर भय रहे तो ये चीज़ संभव नहीं है कि उसको अच्छी तरीके से हम कर्तव्य निष्ठा से कर सकें। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग थी आज ज्ञापन में, आपने क्या बोला है? हमने शासन प्रशासन से यही विनती करी है कि आगे ऐसी किसी घटना को दोबारा कोई भी गांव में या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा अंजाम न दिया जाए, इसकी एक पुख्ता कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। जो दोषी परिवार हैं उस परिवार में कोई शासकीय सेवक भी है जो कि आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर पदस्थ है, उसके निलंबन की कार्रवाई की जाए और एक प्रकार से ऐसा मैसेज दिया जाए समाज को कि जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करने वाली RRT टीम है, जो डॉक्टर्स आपके स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर अपना पूरा दिन अपने पूरे परिवार को छोड़ के पूरी मेहनत के साथ कर्तव्य परायणता के साथ लगे हुए हैं, उनका कम से कम। न्यूज़ फर्स्ट के लिए हर्ष उपाध्याय, खंडवा। आपका परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, छेगांव माखन RBS के टीम।